देखिए कैसी परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो गई है, गर्मा गर्म चटपटी चिकन मसाले की। जरूर ट्राई करें आप ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही नए स्टाइल की चिकन मसाले की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर फॉलो करें। इसके लिए यहाँ पर चिकन ले लिया है मैंने, हम इसे मैरिनेट करेंगे। पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून, सब थोड़ा थोड़ा डालना है हमें ताकि चिकन में मसाला अच्छे से लग जाए। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून, और सॉल्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून। चलिए इन बेसिक मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे रखेंगे ताकि नमक मिर्ची अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए, और फिर हम इसे डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। मिक्स कर दिया है मैंने इसे, 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट होते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर पॉट में ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर जिसमें मैं बना रही हूँ उसी इसी में हम चिकन का मसाला बनाने वाले हैं, तो इसी में मैं फ्राई करके चिकन को निकालूंगी और कंटिन्यू करूँगी। चलिए तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बस 3 to 4 मिनट्स के लिए हमें इसे दोनों साइड कुक करके निकाल देना है। ऑलमोस्ट 70% चिकन कुक हो गया। हम इसे लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में कुक करेंगे, जब तक कि नीचे से ब्राउन मार्क्स ना आ जाए। दोनों साइड इसे 10 मिनट से फ्राई करने के बाद निकाल देंगे। देखिए 4 to 5 मिनट्स हो गए और चिकन अच्छे से कुक हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। चलिए चिकन निकालने के बाद इसी लेफ्ट ओवर ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कट के लिए। हमने प्याज को 3 मीडियम साइज की प्याज ली है और एकदम फाइनली आप इसे चॉप कर लें। पूरा चिकन का फ्लेवर ये तेल में होता है, इसीलिए हम यही तेल यूज़ कर रहे हैं ताकि ग्रेवी में भी सेम टेस्ट आए। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे हम। प्याज हल्के से ब्राउन हो रही है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 फुल टीस्पून ऐड कर रहे हैं हम, और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा टेक्सचर आता है इसका, तो आप दोनों मिलाकर हाफ हाफ ऐड करें, अगर नहीं है तो एक मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चलिए मसाले को जमने नहीं देने हैं हमें, तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। 3 टमाटर का मैंने प्यूरी निकाल लिया है मीडियम साइज पर, और टमाटर को अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे जब तक कि टमाटर के कच्चापन चला नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है और ऑयल सेपरेट हो रहा है, साथ ही पानी भी सारा ड्राई हो गया है। अब गैस को फ्लेम में लो करूँगी और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। 1/2 कप दही लिया है मैंने, आप दही जब भी ऐड करें रूम टेम्परेचर पर ऐड करें, और इसे लो फ्लेम पर रखकर आप ऐड करें। चलिए इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। धनिया पाउडर 3 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून।
अच्छे से इसे भी भून लेंगे। दही को 2 से 3 मिनट के लिए मिट्टी से पका लेंगे। चलिए दही भी अच्छे से भून चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 1 कप दूध ऐड कर रहे हैं हम और इसे मिक्स करेंगे। दूध ऐड करने से एक तो इसका ग्रेवी का टेक्सचर चेंज होगा, दूसरा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बॉईल आने देंगे इसे दूध ऐड करने के बाद। हम साथ ही इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। 10 से 12 काजू लिए हैं मैंने और उसका पेस्ट बना लिया है। इसे भी इसी के साथ हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, एक बॉईल आने देंगे, फिर इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे। चलिए इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप ताकि ग्रेवी थोड़ा सेट हो जाए। सॉरी, 1 कप पानी ऐड किया है मैंने। चलिए अब ऐड करेंगे इसमें फ्राइड चिकन। कवर करके इसे मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि रिमेनिंग चिकन अच्छे से इसमें गल जाए और ग्रेवी भी थोड़ा सेट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में हम 15 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे। चलिए 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए तेल भी आ चुका है। थोड़ा हम इसे और ड्राई करेंगे अनकवर करके, और 5 मिनट्स के लिए मैं रखूँगी ताकि ये थोड़ा और ड्राई हो जाए और हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। इसे अनकवर करके हम 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून क्रश करके ऐड करें, हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस इसी तरह से अनकवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और डिश ऐड करेंगे। देखिए रेडी हो गई है हमारी ऑलमोस्ट चिकन मसाला। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, गर्मा गर्म आप इसे पराठे या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश। चटपटा, टेस्टी और डिफरेंट तरीके से हमने बनाया है इस चिकन मसाले को। आप ज़रूर ट्राई करें गर्मा गर्म रोटी के साथ, या फिर आप इसे बघारे खाने के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।